आज तारीख है 31 दिसंबर 2022, और आज सिंगल ट्रेंच विधि से 1 एकड़ में गन्ने की पौध लगाकर बुआई की गई है। यहाँ पे लाइन से लाइन की दूरी 5.5 फीट रखी है और पौधे से पौधे की दूरी 2 फीट रखी है। गन्ना बुआई से 1 दिन पहले यहाँ पे सिर्फ नाली में फ्लड एरीगेशन करके पानी चलाया गया है, और जहाँ पे नमी पहुँची है उससे थोड़ा नीचे गन्ने की पौध लगाई है। इस तरह बुआई करने से पानी भी कम लगता है और पौधे का जमाव भी अच्छे से हो जाता है, क्योंकि इस तरह पानी देने से जड़ों के आसपास सिर्फ नमी बनी रहती है। ये जो मजदूर देख रहे हो वो पौधे के दोनों साइड खुरपी से छोटे छोटे गड्ढे बना रहे हैं। अभी शाम हो चुकी है, कल सुबह इन गड्ढों में 1 बैग एरंडी की खली, 2 बैग गोवर्धन खनिज कंपोस्ट खाद और 1 किलो सुरपाल यानी कि पोटेशियम होमेट को मिलाकर इन गड्ढों में डाला जाएगा और मिट्टी से उसे ढक देंगे। अभी यहाँ पे ड्रिप बिछा के रखी है, लेकिन ड्रिप से पानी नहीं चलाते। पहले 2 पानी फ्लड एरीगेशन से दिए जाएंगे, पहला पानी बुआई के 1 दिन पहले और दूसरा पानी गन्ना बुआई के 2 दिन दिया जाएगा। उसके बाद जैसे जैसे ज़रूरत पड़ेगी पूरे साल ड्रिप से पानी चलाया जाएगा। और एक बात बताना भूल गया था, जब भी हम गन्ने की नर्सरी तैयार करके गन्ने की बुआई करते हैं तो बुआई से पहले हमें गन्ना पौध की ऊपर की पत्तियों को काटकर बुआई करनी चाहिए। गन्ना पौध की पत्तियां काटने का क्या फ़ायदा है वो मैं आपको देसी भाषा में बताता हूँ, क्योंकि हम किसान हैं तो हमें देसी बात जल्दी समझ में आती है। पत्ती कट जाने के कारण प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कम हो जाती है, तो गन्ना पौध की ऊपर की ओर बढ़वार कम होगी तो पौधे की जो जड़ें हैं वो ज़मीन में जल्दी सेट हो जाएगी, तो पौधे का जमाव अच्छे से होगा और गैप फिलिंग भी बहुत कम होगा और कल्ले भी जल्दी निकलेंगे। अभी यहाँ पे ठंड का मौसम है, फिर भी 20 से 25 दिन में कल्ले आना शुरू हो जाएगा। मैं आपको 31 जनवरी 2023 को फिर से इसी खेत की वीडियो दिखाऊंगा, उस दिन इन पौधों में कल्ले निकलना शुरू हो गया होगा। ज़्यादा ठंड में आमतौर पर गन्ने की बुआई बहुत कम होती है, लेकिन हमारे यहाँ ये आखिरी दिन है गन्ना लगाने का, क्योंकि कल से गन्ना लगाना शुगर मिल वालों ने मना किया है। आज तारीख है 1 जनवरी 2023, कल यहाँ पे गन्ने की पौध लगाकर बुआई की गई थी और पौधे के दोनों साइड छोटे छोटे गड्ढे बनाए थे। आज इन गड्ढों में एरंडी की खली, गोवर्धन खनिज कंपोस्ट खाद और पोटेशियम ह्यूमेट को मिलाकर इन गड्ढों में डाला जाता है, और उसके बाद उसे मिट्टी से ढक देंगे। शाम को एक बार फिर से यहाँ पे फ्लड एरीगेशन किया जाएगा। हम इस साल ताराचंद बेलजी कृषि पद्धति से खेती शुरू की है। चाहे हम जैविक खेती करें या रासायनिक खेती, अगर हम सही पद्धति से खेती करेंगे तो निश्चित रूप से हमें किसी भी फसल में अच्छा उत्पादन मिलेगा। अगर हम चाहे तो दोनों लाइन के बीच में जो खाली जगह है वहाँ पे हम सह फसल भी ले सकते हैं। सह फसल लेने से जो आमदनी होगी उससे हमारी मुख्य फसल की लागत खर्च कम हो जाएगी। बस हमें एक बात का ध्यान रखना है, हमारी सह फसल 2 से 3 महीने में निकल जानी चाहिए। एक बार फिर से यहाँ पे बुआई के बाद पानी दिया गया है। हम यहाँ पे इसी तरह से गन्ने की खेती करते हैं। इस साल 15 एकड़ में रिंग पीट विधि से गन्ना लगाया है सतीश भाई ने। सिर्फ इसी 1 एकड़ खेत में सिंगल ट्रेंच निकाल कर गन्ने की बुआई की है। मैंने आपको जहाँ पे 2 आँख वाला टुकड़ा लगाकर बुआई की है उसकी वीडियो दिखाई थी, अब जहाँ पे पौधा लगाया है उसकी वीडियो मैं दिखाऊँगा। जय जवान जय किसान।